हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक 4G मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और आपके मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई है, इंटरनेट रुक रुक कर चलता है। दोस्तों, यदि आप अपने 4G मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या 4G मोबाइल फोन को 5G में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोस्तों आज मैं आपको 4G मोबाइल फोन की तीन ऐसी ट्रिक बताऊंगा। यदि आप इन तीन ट्रिक को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके 4G मोबाइल फोन के अंदर ही 5G जैसी स्पीड एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी एक 4G फोन का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। यदि आप इन तीन ट्रिक को अप्लाई कर देंगे ना, तो आपके इंटरनेट की स्पीड दोस्तों 400-500 गुना तक बढ़ने वाली है। दोस्तों, एक एक सेकंड में आप 13-13 MB/s की स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दोस्तों अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। दोस्तों, आपको सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है अपने मोबाइल फोन की। आपको दोस्तों सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी आपको, नेटवर्क एंड इंटरनेट। दोस्तों, ये पहले नंबर की ट्रिक है और तीन ट्रिक को आपको लास्ट तक देख लेना है, तभी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तभी दोस्तों आप अपने 4G मोबाइल फोन को 5G बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देख लेना। अब दोस्तों आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। अब दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यदि आप कोई जियो का सिम यूज करते हैं, एयरटेल करते हैं, ठीक है, तो आपको उसी सिम पर क्लिक कर देना है, सिम वन में हो या सिम टू में हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है। इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग देखने को मिलेगी जियो 4G, ठीक है। अब दोस्तों इस सेटिंग को आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कर देना है रिसेट डिफॉल्ट, ठीक है। अब दोस्तों आपकी जो जियो 4G के नेटवर्क हैं ये रिसेट हो जाएंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है, यहाँ पर न्यू APN को क्रिएट करना है, जो आपका 5G न्यू APN होगा, जिससे इंटरनेट स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है नेम के ऑप्शन में, ध्यान से देखना। यदि आप एक एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो आपको लिखना है एयरटेल अनलिमिटेड 5G, ठीक है। अब यदि आप दोस्तों करते हैं किसी जियो सिम का जियो, ठीक है, तो आपको दोस्तों यहां पर लिखना है जियो 5G अनलिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से जियो 5G अनलिमिटेड, ठीक है। दोस्तों आपको जो पहला अक्षर है ना वो लिखना है कैपिटल अक्षरों में, ठीक है। अब दोस्तों आपको कर देना है जियो 5G अनलिमिटेड, या दोस्तों आपके पास एयरटेल है या VI है, VI 5G अनलिमिटेड, ठीक है, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने में जियो 5G, इस पर आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों इसको भी यहाँ पर जियो 5G को आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्वर का, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर सर्वर का इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप गूगल यूज करते हैं या दोस्तों क्रोम यूज करते हैं, उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है www.google.com, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर क्लिक करना है। इसको कर देना है आपको PAP और CHAP, ठीक है। तीन सेटिंग यदि आप दोस्तों कर लेते हैं तो आप 13 MB/s की स्पीड को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर आना है APN टाइप में, यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर APN प्रोटोकॉल में आना है, IPv4 IPv6 पर कर देना है, इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से ही कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है बैरियर का, अब आपको ध्यान से समझना है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से हटा लेना है। हटाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे 5G के, तो आपको इसको LTE पर क्लिक कर देना है और HSPAP, ठीक है, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप ऊपर की साइड यहाँ पर थ्री लाइन दिखेगी, इसको आपको कर देना है दोस्तों सेव, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, इसको जियो 4G से हटाकर आपको कर देना है इसको जियो 5G पे यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों जो आपका न्यू APN है, ठीक है, तो वही आपकी स्पीड को बढ़ाकर देगा। आपको जियो 5G अनलिमिटेड पर इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये दोस्तों सबसे पहले नंबर की ट्रिक है, इससे आपका 40% काम बनेगा। अब दोस्तों आपको दो ट्रिक और करनी है अपने 4G मोबाइल फोन के अंदर और आपका 100% दोस्तों ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको अपनी सेटिंग में आना है, फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा
अबाउट फोन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा, आपको जो सेकंड नंबर की ट्रिक है इसी के अंदर अप्लाई करनी है अब, ठीक है। आपको बिल्ड नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 6-7 बार टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद दोस्तों जो आपका यहाँ पर कोड है वो डाल देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर एक खुफिया सेटिंग इनेबल हो जाएगी, उस सेटिंग का नाम है दोस्तों डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। इसको आपको सिस्टम सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको इसी के अंदर बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब आपको यदि आप ये सेकंड नंबर की ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इतनी स्पीड बढ़ेगी ना, आप दोस्तों चौंक जाओगे, ठीक है। आपको दोस्तों बैक आना है, यहीं पर नीचे होते रहना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक सेटिंग देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना, नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से होगा, नो लिमिट, ठीक है। दोस्तों ये अपने हिसाब से इंटरनेट का यूज कर रहा है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, इसको यहाँ पर 15 MB/s पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, अब जब भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट का यूज करेंगे या दोस्तों कोई मूवी डाउनलोड करेंगे, कोई गेम डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों आपका जो इंटरनेट स्पीड है 1 सेकंड के अंदर 15 MB/s की स्पीड आपको देगा, ठीक है। आप दोस्तों बड़ी से बड़ी गेम हो, कोई मूवी हो, तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, 4G फोन को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बैक आना है, लास्ट नंबर की, तीसरे नंबर की ट्रिक को आपको अप्लाई करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप जहां से दोस्तों कॉल लगाते हैं अपने डायल पैड में आना है। डायल पैड में आने के बाद दोस्तों आपको एक कोड डालना है, *#*#4636####, ठीक है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब इसी के अंदर आपको तीसरे नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर फोन इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप जिस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप कौन सी कंपनी का मोबाइल है आपके पास और कौन सी कंपनी का सिम है, तो उसका सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों रिफ्रेश का। अब दोस्तों जो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई है, जो नेटवर्क दोस्तों रुक रुक कर आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों करना क्या है, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये कोड, नया कोड आ जाएगा आपका, 5G का न्यू कोड आ जाएगा, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको बस यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको दोस्तों अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके, ठीक है, इस तरीके से स्विच ऑफ कर देना है और बाद में आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट का ऑन करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, तो आपको दोस्तों फर्क देखने को मिल जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को भी दोस्तों मिलेगा। अब इस तरीके से दोस्तों आप अपने 4G मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए, आपका दिन शुभ हो।